मतदान से पहले दोनों पार्टियों में खूनी संघर्ष। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़, अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मतदान के ठीक पहले गुरुवार की रात सतना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। ये हंगामा देर रात तक चलता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगामा थाने में अतिरिक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विवाद में शुरुआत शहर के बदखर स्थित गरवार पेट्रोल पंप के पास से हुई। कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के भाई समेत कुछ लोग देर रात वहां शराब बांट रहे थे, जिन्हें देखकर कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के घर से लौट रहे कुछ लोगों ने आपत्ति जताई तो झगड़ा होने लगा। इस बारे में भनक लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ भी वहां पहुंच गए। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के वाहन समेत दो गाड़ियों के कांच फूट गए और भोला श्रीकांत और शशिकांत नाम के लोग चोटिल हो गए। इधर भाजपाइयों का आरोप है कि बदकर में पेट्रोल पंप के पास से नई बस्ती जाने वाले रास्ते के मोड़ के पास कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के भाई नीलेश कुशवाहा पंखु खुद आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच सेमरिया तरफ से आ रहे भाजपा समर्थकों की गाड़ी को भी रोक लिया गया। जब भाजपाइयों ने विरोध किया तो गाड़ी में तोड़फोड़, मारपीट शुरू कर दी। मौके पर सांसद के भाई उमेश सिंह लाला भी आ गए। इधर कांग्रेस की तरफ से सिद्धार्थ कुशवाहा भी पहुंच गए। मारपीट में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा समर्थकों की भीड़ के साथ कोलगांव थाना पहुंच गए और भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के भाई उमेश सिंह लाला और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। देर रात जबरदस्त हंगामे के बीच एहतियात के तौर पर कई अन्य थानों का पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को भी कोलगावा थाना बुला लिया गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद देर रात लगभग 2 बजे कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा तक तब बाहर निकल गए जब पुलिस ने FIR करने की तैयारी शुरू कर दी। सिद्धार्थ और उनके समर्थक थाने से चले गए, जबकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मकसूद अहमद और कुछ अन्य लोग FIR दर्ज कराने के लिए वहीं रुके रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाए पुलिस पर आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह विवाद हुआ वहां शराब बांटी जा रही थी और पुलिस मूक दर्शक बनी रही थी। जब इस बात की जानकारी TI कोलगावा को दी गई तो उन्होंने ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया गया, जबकि CSP का फोन नहीं उठा। बाद में SP को फोन कर स्थिति की जानकारी दी गई। आप उन बच्चों की सुरक्षा कीजिए, तो TI वहाँ पे नहीं गए। TI जब तक पहुँचे तब तक विवाद इतना ज्यादा हो रहा था, दो लोग के सर फट चुके थे, हाथ टूट चुका था, हाथ फ्रैक्चर था, उनको लात घूंसों से मार रहे थे। और ये जब मैं वहाँ पे गया उन लड़कों को लेकर थाने पे आया, अभी तक FIR नहीं की। अब बड़े मुश्किल से FIR के लिए तैयार हुए, लेकिन जिस तरीके से जिन पुलिस अधिकारियों के भरोसे ये चुनाव हो रहा है उनकी शिकायत 3 तारीख को मैंने की थी, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, निर्वाचन आयोग द्वारा, न कलेक्टर द्वारा, न SP द्वारा और न किसी भी जो निर्वाचन की जो भी टीम पर्यवेक्षक आए हैं उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, कैसे लोग अपने आजादी से स्वतंत्र होकर वोट डालेंगे, ये एक प्रश्न है। बाकी रही बात चुनाव लड़ने की और सारी चीजें, तो हम हर तरह से इनसे लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। इनोसेंट लोग, वो 17 के साधारण से लड़के थे जो अपने घर जा रहे थे वापस, उनको रोका, उनको शराब और वोट शराब लेने की, पैसे लेने की पेशकश की, उन्होंने नहीं माना। पुलिस प्रशासन जिनकी शिकायत मैं पिछले 3 तारीख को कर चुका हूँ, आज तक कोई कार्रवाई न निर्वाचन के द्वारा हुई, न SP के द्वारा हुई, न जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हुई। पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चले, पुलिस की मौजूदगी में छीना झपटी हुई, ना किसी गाड़ी की चेकिंग, ना किसी को रोका गया, ना टोका गया। गणेश सिंह के भाई को दामाद की तरह पुलिस गोद में लेके घूम रही है। जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह के भाई के द्वारा शराब बांटने और पैसे बांटने का काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं पे, आम आदमी पे दबाव बनाया जा रहा है, राह चलते लोगों को मारा जा रहा है। जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को चोट आई, वो इनोसेंट लोग हैं। वो 17 के साधारण से लड़के थे जो अपने घर जा रहे थे वापस, उनको रोका, उनको शराब और वोट शराब लेने की, पैसे लेने की पेशकश की, उन्होंने नहीं माना, नहीं माना तो उनके साथ मार और स्थिति ये है कि पुलिस प्रशासन जिनकी शिकायत मैं पिछले 3 तारीख को कर चुका हूँ,
आज तक कोई कार्रवाई न निर्वाचन के द्वारा हुई, न एसपी के द्वारा हुई, न जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा हुई। बताया जा रहा पुलिस की मौजूदगी थी वहाँ, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चले, पुलिस की मौजूदगी में छीना झपटी हुई, ना किसी गाड़ी की चेकिंग, ना किसी को रोका गया, ना टोका गया। गणेश सिंह के भाई को दामाद की तरह पुलिस गोद में लेके घूम रही है। क्या हादसा हुआ था? अरे हमारे बीच के बेटा और भोला जी शशिकांत जी, वो अपने घर जा रहे थे बेटा जी के यहाँ से खाना पीना खा के जी, जी, जी। रास्ते में जैसे शिवम ढाबा से थोड़ा सा आगे उनके घर के रास्ता है ट्रांसफार्मर के पास जी जी, वहाँ कुछ लोग स्कूटी में दारू बांट रहे थे जी। तो इनको बोला गया कि दारू आप ले लो जी, इन्होंने दारू ले लिया। किनको बोला गया? बेटा और भोला शिवम को, शिवाकांत को, शिवाकांत जी, दारू श्रीकांत शशिकांत को जी जी, है ना। और साथ में हम भी थे जी। और क्या है, जब नहीं लिए जी जी। और जब इन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है कि तुम लोग लो दारू जी। हम गए क्यों ले लें, हमको नहीं करना है कुछ भी। हाँ, हाँ। जब मना करे हम लोग तो इन्होंने क्या किया, हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी जी। इसी बीच में दो फोर व्हीलर आई, व्हाइट कलर की थी, उसमें उमेश प्रताप लाला हाँ। और मिंटू पार्षद और ये क्या नाम क्रांति सोनी, विनोद पटेल, ये सारे लोग आए और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, मारपीट किया। और इसी बीच में एक मोहन तिवारी करके थे, उनको बोलने लगा, राड और हांगी लेके आए थे, सारे लोग हमारे सर पे और मारे और चोट लगी, हम बेहोश हो गए, गिर गए। पांच छह लोगों के साथ मारपीट वहाँ पे किया, जो भी बीच बचाव में आता था उन्हीं के साथ मारपीट करते थे। लाठी डंडा हांगी राड सब ये लेके आए थे। आप पता नहीं, एक पुलिस प्रशासन भी है तो उन्हीं का सहयोग कर रही, हमारा कुछ भी सहयोग नहीं कर रही। एम्बुलेंस में ये लोग दारू बटवाते हैं और पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रही है, पूरा शासन प्रशासन सहयोग कर रही है। दारू किसकी जा रही थी? दारू गणेश सिंह की जा रही थी, बीजेपी की जी। और जो स्कूटी में भी जो दारू रखी गई थी तो वो भी गणेश सिंह की थी। गणेश सिंह की थी और उसी के लोग थे। और इसी बीच में गणेश सिंह का भाई जब उमेश लाला आया और दो फोर व्हीलर में आए, इसके बाद गाड़ी पे गाड़ी आती चली गई, कम से कम 50 गाड़ी आई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।